please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक की जयनगर विधानसभा सीट पर हुए मतदान में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और कांग्रेस उम्मीदवार सोमैया रेड्डी बीजेपी के बीएन प्रहलाद को 5000 वोटों से हराकर जीते हैं। सोमैया रेड्डी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी हैं। जयनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के बीएन विजय कुमार की मौत के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, एक बड़ी जीत कांग्रेस के लिए? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि सरकार जेडीएस और कांग्रेस की वहां पर बनी है और ऐसा देखा जाता है कि उपचुनाव या बाद में जो चुनाव होते हैं किसी सरकार के बनने के बाद, अमूमन लोग उसी पार्टी के साथ जाना पसंद करते हैं क्योंकि जिसकी सरकार होती है विधानसभा क्षेत्र में वही विकास कार्य कराता है, ऐसी लोगों की सोच रही है। और यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रामलिंगा रेड्डी एक प्रभावशाली नेता कांग्रेस के रहे हैं, गृहमंत्री रहे हैं, उनकी बेटी है ये, वो चुनाव जीती है। तो न सिर्फ कांग्रेस ने अपने जो सीटें थी उसमें एक और सीट जोड़ी है बल्कि एक थोड़ा सा एक मॉरल विक्ट्री भी उसको मिली है क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस के बीच जिस तरह से टसल चल रहा है ऐसे में कांग्रेस का सीट जीतना, हालांकि जेडीएस ने उसको सपोर्ट किया था और अपना जो कैंडिडेट था उसको विथड्रॉ कर लिया था, एक बड़ी बात कांग्रेस के लिए है। हालांकि मार्जिन बहुत ही कम है और इसको लेकर रामलिंगा जो रेड्डी है वो थोड़े से निराश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुश है इस बात को लेकर के जीत तो हुई, कम से कम जेडीएस के ऊपर बढ़त बनाने का उसको एक और मौका मिलेगा। नजर बना रखिए।